वहाँ हम दोनों बराबर के साथीदार हैं। इज्जत लिया। मैं निशी के साथ रहना तुम्हें तकलीफ होती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तुम्हें मंजूर नहीं। What should I do? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तो जनाब यहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ चले गए थे? हाय नीतू। हाय वॉल्टर, तुम घर चल रहे हो ना, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी नीतू, आज ही तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि इसे मेरे साथ कहीं और जाना है। तुम्हारे साथ कहाँ जाना है? भूल गए ना तुम? आई न्यू इट। याद है कल ही तुमने मुझे प्रॉमिस किया था आज डॉक्टर के पास लेके जाओगे। डॉक्टर के पास? वॉल्टर तुम मेरे साथ घर चल रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स चल रहा हूँ। नहीं वॉल्टर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पिछली बार अभी डेंटिस्ट से लिया हुआ अपॉइंटमेंट मुझे कैंसिल करना पड़ा। प्लीज वॉल्टर। क्या हर जगह तुम्हारे साथ वॉल्टर का जाना जरूरी है? तुम खुद कहीं नहीं जा सकती? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो? बच्ची मैं नहीं हूँ और खुद की देखभाल भी कर सकती हूँ। अगर सहारे की जरूरत है ना मैडम, तो वो तुम्हें है, इसीलिए जब देखो वॉल्टर के आगे पीछे घूमती रहती हो। ए, ये कैसे बात कर रही हो तुम इससे? मुझे ही कह रही हो तुम, और वो जो मुझे कह रही है उसका क्या, उसे कुछ क्यों नहीं कहते तुम? वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो मैं अकेले में ही करना चाहती हूँ। फाइन, तो मैं चलती हूँ, मम्मी से कह दूंगी कि तुम बिजी हो। मेरी, चलो वॉल्टर, उठो और चलो। जीते रहो बेटा। क्या बात है माँ, मुझे क्यों बुलवाया? अरे इतने बेचैन क्यों हो रहे हो, आराम से बैठो तो। पूजा माँ, मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, मैं यहाँ गप्पे हाँकने नहीं आया हूँ, हजारों काम छोड़कर आया ऑफिस में। माँ प्लीज जल्दी बताओ तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी, प्लीज। देखा बेटी, मैंने तुझसे क्या कहा था, मेरा बेटा कितना बिजी है। बेटी ये पूजा है, मेरी प्यारी सी गुड़िया। माँ ये कौन है? ये बाद में बताऊंगी, पहले इसे जरा अच्छी तरह देख तो ले। अच्छी माँ ये क्या नाटक है, मैं यहाँ कोई नौटंकी देखने नहीं आया हूँ। बेटा अब तो ये नौटंकी ही है, जिंदगी भर अपने इशारों पर तुझे नचाएगी अभी, है ना बेटी? माँ लीजिए चाय पी लीजिए। मुझे चाय नहीं पीनी, थैंक यू। माँ क्यों मेरे साथ पहले अब जा रही हो, साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या चल रहा है यहाँ पर? तू अभी तक नहीं समझा? क्या नहीं समझा माँ? पूजा तेरे होने वाली बीवी है। बीवी? मेरी होने वाली बीवी? हाँ। मैंने तुम दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया है। What? अरे अपने रामपुर की लड़की है, कुंवर रंजीत सिंह की बेटी। अरे माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्या खराबी इस लड़की में? खूबसूरत है, सुशील है, अच्छा गा लेती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है किसके रगों में शाही खानदान का खून है। अरे माँ तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ दो प्लीज। माँ मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ मैं शादी नहीं करना चाहता, और मैं जब भी शादी करूंगा सिर्फ मेधा के साथ करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। इज दैट क्लियर? क्या बकवास कर रहे हो, वो 2% के वकील को इस खानदान की बहू बना रहे हो, पागल हो गए हो? तो तुम भी सुन लो माँ, मैं इस राजकुमारी से कभी भी शादी नहीं करूंगा। ठीक है तुम उस वकील से शादी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। इस घर की बहू पूजा है, मैंने उसे इस घर के इस परिवार के सारे वो अधिकार दे दिए जो एक बहू को मिलने चाहिए। अपनी वसीयत में भी मैंने उसे हिस्सेदार बनाया है। अब अगर तुम उस वकील से शादी करना चाहते हो तो शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वो लड़की मेरे घर के चौखट पर एक कदम भी नहीं रखेगी, समझे? अरे माँ मेरी बात को तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुना है, तुमको ऑफिस में बहुत सारा काम है ना, यू मे लीव। तुम ही बता दीदी, उस दिन जो मैंने पापा और मम्मी के बीच झगड़ा देखा था वो शीला को लेकर ही था ना? नहीं तो मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि पापा ऐसा कर सकते हैं। मगर मुझे तो पूरा यकीन है कि पापा का शीला के साथ अफेयर चल रहा है, और सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है
कि उस दिन वॉल्टर मेरे साथ था। तुम सोच सकती हो उस दिन मेरी क्या हालत हुई होगी। क्या वॉल्टर ने तुमसे पापा और शीला के बारे में कुछ पूछा? कुछ ज्यादा तो नहीं, इनफैक्ट वो तो इन सारी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था शायद वो सिर्फ दोस्त है। पर तुम ही बताओ दीदी, दोस्ती में क्या लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चूमते हैं? वो लोग आंखों में आंखें डाले, हाथों में हाथ लिए, बिना कुछ कहे बैठे हुए थे। आई वॉज सो अशेम्ड अबाउट इट। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी मम्मी में क्या खराबी है? लगता है मुझे पापा से बात करनी ही पड़ेगी। आज तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैं उनसे पूछूंगी कि उनका और शीला का क्या रिश्ता है। क्या फायदा? अगर पापा ने तुमसे साफ कह दिया कि वो शीला से प्यार करते हैं, तब तुम क्या करोगी? इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा। रितु नीतू, मेरे ख्याल से तुम दोनों को इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मम्मी आप नहीं जानती कि पापा। पापा क्या? क्या देखा तुमने? पापा शीला का हाथ पकड़ के चूम रहे थे ना, इससे तुम कैसे कह सकते हो उनका अफेयर चल रहा है? और मम्मी, नीतू अपने पापा पर शक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती बेटा? तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं अपने पापा पर? मम्मी आप जानती नहीं पापा तो। नीतू तुम्हारे पापा ने कभी तुम दोनों की तरफ लापरवाही दिखाई? तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं ना, बस तुम दोनों के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। तुम्हारे पापा की जिंदगी में अगर कोई और औरत है तो दैट्स माय हेडेक, मेरा सर दर्द है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पर अन्याय हो रहा हो तो हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देखें। ओहो ऐसा नहीं है, शीला तुम्हारे पापा को ऑफिस में मदद करती है, वो दोनों दोस्त हैं। एंड आई थिंक शीला इज अ नाइस लेडी। अगर वो अच्छी है तो क्या आप अच्छी नहीं है? एग्जैक्टली। तुम दोनों फिर उस बात को लेकर बहस कर रहे हो। देखो अगर तुम्हारे पापा की जिंदगी में कोई और औरत होती ना तो सबसे पहले मुझे पता चलता, क्योंकि ये बातें पत्नी को सबसे पहले पता चलती, समझे? आप कुछ भी कहिए मम्मी, लेकिन जो आज मैंने देखा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है। ठीक है तुम मानना नहीं चाहती तो मत मानो, लेकिन एक बात का वचन दो कि तुम इस बात को लेकर अपने पापा से झगड़ोगे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कोई डिस्कशन नहीं करोगे, समझे? और मम्मी मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो, और आज तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा मैं इतनी सेल्फिश नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पापा से कोई क्वेश्चन पूछो और वो तुमसे नाराज हो जाए। मैं नहीं चाहती कि उनका प्यार तुम्हारे लिए 1% भी कम हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम दोनों के दिल में जो उनके लिए इज्जत और प्यार है वो कम हो, समझे? इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा अपने पापा के साथ, समझे? प्रॉमिस मी। ऑलराइट आई प्रॉमिस यू। गुड। और एक और वचन देना पड़ेगा कि इस टॉपिक को लेकर हमारे घर में इसके बाद एक बार भी डिस्कशन नहीं होगा, नेवर अगेन, अंडरस्टैंड? ऑलराइट। गुड। कैन यू बिलीव दिस मेधा, कि माँ इस तरह की हरकत कर सकती है? कौन है ये पूजा? अरे क्या पता, सुना है किसी राजा महाराजा की बेटी है। राजा महाराजा की बेटी? हाँ। अरे ऐसे लाखों राजा महाराजा मिलते हैं हमारे देश में, और कईयों की तो हालत भिकारियों से बदतर है। अब रामपुर की बात ले लो, रामपुर के इर्द गिर्द ऐसे कुछ 100-150 राजा मिलेंगे तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? हाँ और क्या। खैर मुझे क्या लेना देना उससे, मैं तुम्हारा को साफ साफ बता चुका हूँ मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, आपने आज तक मुझसे एक भी बार नहीं पूछा है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं। मजाक छोड़ो मेरा, मेरा मूड इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। नहीं सीरियसली, तुमने मुझसे एक भी बार तो नहीं पूछा कि मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं, तुमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। अच्छा तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, और मानो अगर मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ तो क्या मुझसे शादी नहीं करोगी तुम, बोलो? ठीक है भाई, अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, मैं तो अपनी उस राजकुमारी से शादी कर लूंगा। फिर मेरे पास रोती हुई मत आना कि ऋषभ मेरे साथ शादी कर लो प्लीज। बिग डील, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजकुमारी है तो मुझसे शादी करने के लिए और लड़की नहीं है क्या? ओ ऐसी, मतलब मुझे कॉम्पिटिशन है? हो सकता है, व्हाई नॉट। मजाक छोड़ो मेधा यार, अब ये बताओ कि माँ का और उस पूजा का करें क्या? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ मुझे बहू बनाना नहीं चाहती तो मैं और तुम उन्हें जबरदस्ती मरवा भी नहीं सकते। रहा सवाल तुम्हारी जमीन जायदाद का तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ अगर वसीयत मेरी बजाय पूजा के नाम करती है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूँ तब भी उस वसीयत पर मेरा कोई हक नहीं बनता है। लेकिन मेधा शादी के बाद तुम मल्होत्रा खानदान की बहू होगी,
और तुम्हें वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बहू को मिलते हैं। माँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऋषभ, मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी शादी हो जाए वही मेरे लिए बहुत है। आखिर माँ है ना, उनका भी गुस्सा धीरे धीरे उतर ही जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप हमारे साथ शादी करना चाहती हैं? क्यों? हाँ, अगर तुम घुटनों के बल खड़े रहकर मुझसे मेरा हाथ मांगो तो शायद मैं हाँ कह दूँ। I beg your pardon? मैं घुटनों के बल खड़ा होकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा? I hopes। ठीक है, मैं तो उससे शादी करूंगी जो मुझे उस तरह प्रपोज करेगा। याद रहे, ऐसे बहुत हैं जो ये सब करने को तैयार हैं। अच्छा, वैसे भी इन सब मामलों में मैं जरा ओल्ड फैशन हूँ। जरा मैं भी तो सुनूं, कैसे कितने लोग हैं जो घुटनों के बल खड़े होकर तुम्हारा हाथ मांगेंगे? मेधा, सुनी मेधा, सुनी, यू आर सरप्राइज। हाउ आर यू? सरप्राइज, सरप्राइज। तुम इंडिया कब लौटे? ये एक महीना हो गया। एक महीना हो गया? एक महीना, और तुम मुझे आज मिल रहे हो? शेम ऑन यू। नहीं सॉरी मैं था, लेकिन वो क्या था कि मैं ज्यादा बिजी हो गया था, और फिर वो क्या कि तुम्हारे घर का मतलब एड्रेस था पर गुम हो गया। सुनिए, तुम बहाने मत बनाओ। ये क्यों नहीं कहते तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे? मेधा, अब मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? कान पकड़ के सॉरी कह दो, मान जाओगी? वेल चल। इनसे मिलो, ये है ऋषभ मल्होत्रा, ये सुनील। हाँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ। तुम इनसे मिल चुके हो? कहाँ? वो मैं बिजनेस के सिलसिले में इनसे मिलने गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सुनील से मिल चुके हो? भाई मुझे क्या पता कि तुम इन्हें जानती हो। ऋषभ, सुनील के बारे में मैंने तुमसे नहीं बताया था। मेरा, मैंने कहा ना, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। ओके, नहीं अब बता देती हूँ। ये है सुनील, सुनील वर्मा, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त। रियली? अमेरिका में मेरे क्लासमेट थे फॉर 3 years। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ गई और ये वहीं रह गए। ऋषभ, ही इज अ वेरी गुड लॉयर, इनसे बेहतर कॉर्पोरेट लॉयर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड हैंडसम मैन। ओह गॉड, इट्स टू मच। क्या है मल्होत्रा साहब, कि मेधा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने में बहुत माहिर है, तो जितनी बातें इन्होंने की उसमें से 60% आप काट दीजिए। हद है सुनील, हद है। मैं तुम्हारी तारीफ किए जा रही हूँ और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। भाई इतनी तारीफ के काबिल हूँ कहाँ मैं? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है पहले से, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो। वैसे सुनील साहब, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि कोई तारीफ करने वाला तो है आपके पास, वरना आज तक हमारी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। मल्होत्रा साहब, अगर मैं ये कहूँ कि आपको मेधा जैसी दोस्त नहीं मिली होगी तो कैसा रहेगा? Anyway, you please carry on. मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप कैसे, कहाँ जा रहे हैं? देखिए एक एक कप कॉफी हो जाए, और वैसे भी आप दोनों बहुत सालों बाद मिले हैं, बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। क्यों? हाँ, सुनील बैठे ना, बहुत सारी बातें करनी है। सॉरी मेधा, लेकिन वो क्या है कि मेरा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो एक कार्ड रखो, अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकोगे कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस नहीं। ओके, ठीक है, आई विल गिव यू कॉल। पक्का? पक्का, फिर मिलते हैं। गुड नाइट मल्होत्रा साहब। गुड नाइट, बाय बाय। सो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। कैसा लगा सुनील? कैसा लगा? ठीक ठाक ही है, नॉट बैड। ये अचानक तुम्हारा मूड क्या हो गया? वैसे मेधा, तुम इस सुनील को कितने अरसे से जानती हो? मेरा मतलब है, अमेरिका में जानती थी या उससे पहले इंडिया में भी जानती थी? नहीं, कॉलेज के पहले ही दिन वो मुझसे मिला था। हाउ इंटरेस्टिंग। और चूंकि अकॉर्डिंग टू यू वो इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम है, तो जाहिर है कि बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पागल होंगी। यस, ताज्जुब की बात तो ये है कि ज्यादातर लड़कियां अमेरिकन ही थी। और तुम? मेरा मतलब है, तुम भी उसके पीछे पागल थी या नहीं? मैं? हाँ? मुझे पता था कि तुम ये सवाल मुझसे जरूर करोगे। तुम्हें सुनील से जलन हो रही है ना? जलन? मुझे? और वो भी सुनील से? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड।
वैसे मेधा तुम हो बड़ी स्मार्ट, टॉपिक चेंज कर दिया और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैं नहीं, वो मुझ पे मरता था। रियली? और तुम दोनों के बीच कोई रोमांस, मेरा मतलब है यू नो? वो मुझे अच्छा जरूर लगता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा हुआ, वरना मेरी जिंदगी में तुम कैसे आते? लेकिन सुनील जो ऋषभ, सुनील के बारे में बहुत बातें हो चुकी, अब उसका चैप्टर हम क्लोज कर ले प्लीज। मेरी कॉफी तो ठंडी हो गई, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। चलें। दलाल, मैंने कवरिंग लेटर लिख दिया है जी। आप इस फाइल को फॉरेन मिनिस्ट्री में भिजवा दो। सर, मिस्टर ऋषभ केडी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के प्रपोजल के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। सर, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा मौका है हमारे एक्सपेंशन के लिए। मिस्टर दलाल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फैमिली कंट्रोल बिजनेस है। यहां के शेयर होल्डर्स हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। ये हमने जानबूझ के किया है ताकि हमें लोगों की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। अब अगर हम कोई जॉइंट वेंचर करें तो हमें बाहर के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, और जाहिर है वो दखल अंदाजी भी करेंगे, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक एनआरआई ग्रुप के साथ काम करने में बहुत से फायदे भी हैं, और वो लोग हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, हम अपने टेक्नीशियंस को, वर्कर्स को, इंजीनियर्स को खुद फॉरन भेज सकते हैं, जो कि हम करते आए। एक्सपेंशन मैं समझता हूं बहुत जरूरी है हर कंपनी के लिए, लेकिन दलाल हमें इसके लिए किसी एनआरआई की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यह समझता हूं कि ऋषभ के दूसरे दो प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन से? मैगजीन न्यूज़पेपर वाले, आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब आप केडी ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मिस्टर महेंद्र, क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी फैसला करने के पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए? केडी ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर करके हमें बहुत फायदे हो सकते हैं। लेकिन शीला, ऐसा कहने के लिए मेरे पास ठोस वजह भी है। हाँ तो मिस्टर दलाल, आप जा सकते हैं जी। ऋषभ से कह दीजिएगा मैं अपना फैसला उन्हें शाम तक बता दूंगा। ओके। चलो, सुधाकर के लॉ कॉलेज के लिए तुम्हें जमीन मिल गई। हाँ माँ, जमीन तो मिल गई, लेकिन लेकिन जमीन मिल गई तो अब परेशानी क्या है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऋषभ को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। जानते हो माँ, ये जमीन प्राइम लैंड है शहर के बीचों बीच, और ये हमें मार्केट में जो भाव है उससे आधे भाव में मिली है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लैंड है इसलिए इस दाम में मिली है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों से किसी ने भी इसे खरीदने की कोशिश नहीं की है। वो क्यों? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि अभी तक ये जमीन बिकी क्यों नहीं, और ये सब जानने से पहले ऋषभ ने ये जमीन खरीद क्यों नहीं।